तो यार आज जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक मेरा दोस्त मिला, उसने कहा यार इसको सही कर देना, तो मैं जो है इसको ले आया घर पर, तो आपको भी रिपेयर करके इसको दिखा देंगे कि इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे और जो है उसका भी काम बन जाएगा। ठीक है चलिए दोस्तों इसको हम रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ ये कितने का मिलता है आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। भाई इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रहे तो मैं रेट देखना चाहता हूँ, आप कहाँ के हैं और आप कहाँ रहते हैं, आप अपने जो है गांव शहर जहाँ के भी हैं आप वहाँ का नाम लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपके यहाँ इतने का मिलता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, देखते रहिए वीडियो को, इसको रिपेयर करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, तो इसको रिपेयर तो करना बनता है, क्योंकि हर बार में इतना बड़ा जो है बल्ब नया नहीं ला सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये महंगा मिलता है। इसलिए दोस्तों इसको हम रिपेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों इसको हम जो है रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हम अपना बोर्ड वगैरह लाते हैं और इसको रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। चलिए ले आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए लिया हम अपना यहाँ पर बोर्ड और यहाँ पर रहे जो हमारे औजार, ये रहा हमारा बल्ब। दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में जो है थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना और जो वीडियो पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, तो जिस टाइम मैं वीडियो बनाऊँ तो जो है नॉइज़ आती आती है। अगर आपको लग रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिलहाल बिना कुछ बातें करें जो हम इसको सही करते हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच को जो है बंद करेंगे, इसको लगाएंगे इसमें, तो अभी दिक्कत क्या कर रहा है ये देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम इसको स्विच को खोलते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये दिक्कत क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो ब्लिंकिंग कर रहा है, और ये ब्लिंकिंग करने की वजह से जो है हमें कोई रोशनी देता ही नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसको हम जो है सही करेंगे, तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर एक LED ये नहीं जल रही है और एक LED वो नहीं जल रही है, तो ठीक है यहाँ पर कुछ और एक यहाँ पर ये भी है ये भी नहीं जल रही है। तो यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो है बंद कर देते हैं। इसको बंद करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस टाइप से हमने इसको बंद कर दिया, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये एक LED है छूट गई है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर छुटा करके यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है। और उसके बाद में हम और देख लेते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या है ये देखिए, यहाँ पर एक LED ये नहीं जल रही, थोड़ा सा फोकस करते हैं, ये देखिए एक LED ये नहीं जल रही, एक LED ये नहीं जल रही, तो ये जो इन दोनों को भी LED को भी हम जो है इन दोनों LED को ये देखिए इसको और इसको, इसको और इसको जो है हम फोल्ड करके और वो करेंगे शोल्डिंग यहाँ पर जो है कर देंगे। तो पहले देखते हैं ऐसे अगर ये चलता है तो, वरना फिर हम जो है कुछ और ट्रिक इसमें लगाएंगे। तो देखते रहिए फिलहाल, अगर आपको ऐसे सही नहीं हुआ तो मैं जो है दूसरी ट्रिक भी बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है इस वीडियो में पूरी। तो ये देखिए हम इसको हटा देते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है सोल्डिंग कर देते हैं जल्दी से। तो इसको सोल्डिंग करने के लिए जो है आयरन तो अगर आपके पास नहीं है, सोल्डिंग करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको जो है सोल्डिंग नहीं करना है तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि बिना शोल्डिंग के जो है LED बल्ब को कैसे सही करें, तो इस वीडियो का लिंक जो है मैंने एंड में दे दी है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, एंड में आपको एक यहाँ पर जो है वीडियो दिखेगी, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप वीडियो पर पहुँच जाएंगे, तो एंड तक देखते रहिए क्योंकि एंड में मैं एक वीडियो दूंगा जिससे आप बिना शोल्डिंग आयरन की मदद से इसको सही कर सकते हैं। तो चलिए आप शोल्डिंग कर लेते हैं बिना, यहाँ पर जो है बहुत ही मुश्किल से शोल्डिंग हुई है, पता नहीं कि आयरन को क्या हो गया है शोल्डिंग कर ही नहीं रहा। तो फिलहाल शोल्डिंग कर ली हमने, अभी मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, यहाँ पर जो है इसको जो है मतलब चलाते हैं। तो ये पहले हम स्विच को बंद करेंगे, इसको हम जो है इसमें लगा देंगे, थोड़ा सा पास को ले आते हैं और जो इसमें फोकस कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने फोकस कर लिया अच्छे से, अभी देखते रहिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जलाता हूँ, लेकिन अभी भी जो है ये देखिए बिल्कुल सही जल रहा है। तो ये जो है कैमरे में आपको ऐसी ब्लिंकिंग दिख रही होगी, तो ये देखिए अब यहाँ पर अभी आपको ब्लिंकिंग नहीं दिखेगी जब जो है हम इसको लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अभी ये जो है कैसे जल रहा था, मैं अभी ये देखिए यहाँ पर आप क्लिप देख रहे हैं, अभी ये ऐसे जल रहा था, अब जो है ये बिल्कुल सही हो गया है। तो कैमरे में जो है ऐसी जो ब्लिंकिंग आपको दिखेगी, क्योंकि कैमरे का जो है सेंसर इसी टाइप से वर्क करता है, कैमरे का सेंसर जो है लाइटिंग को जो है बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाता है। ये क्या बात करता है यार। तो अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अगर जो है थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों।